दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो। क्या आप जानते हैं श्रोडिंगर स्माइली के बारे में? नहीं जानते तो इस वीडियो से आप पूरा समझ जाएंगे। एक ब्लैक टी शर्ट है जिस पर लिखा है श्रोडिंगर स्माइली। ये टी शर्ट मैंने सुशांत को बहुत सारे इंटरव्यूज में, फोटोज में और वीडियोज में पहने हुए देखा है। वॉट इज श्रोडिंगर स्माइली? ये एक मीम है जो साइंस की एक बहुत इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। थॉट एक्सपेरिमेंट यानी कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में साइंटिस्ट ने सोचा, डिस्कस किया, लेकिन हकीकत में उसको कभी अंजाम नहीं दिया, यानी कि एक्सपेरिमेंट इमेजिनरी है। मैंने ये टी शर्ट मंगाई है, इस पर एक स्माइली बना हुआ है जो एक तरफ से हैप्पी है और दूसरी तरफ से सैड, यानी कि ये स्माइली हैप्पी और सैड दोनों एक साथ है। पर ये श्रोडिंगर कौन है? अरविंद श्रोडिंगर एक ऑस्ट्रियन क्वांटम फिजिसिस्ट थे जो कि क्वांटम थ्योरी को डीपली स्टडी कर रहे थे। क्वांटम फिजिक्स कितनी अजीब है ये प्रूव करने के लिए उन्होंने एक इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट बनाया जिसमें एक कैट को कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ एक बॉक्स में सील किया जाएगा। बॉक्स में एक छोटा सा बॉम्ब है जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के डीके के साथ ही एक्सप्लोड हो जाएगा और कैट की डेथ हो जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट इमेजिनरी है। क्वांटम मैकेनिक्स के साइंटिस्ट का मानना है कि जब तक कोई ऑब्जर्वर यानी कि देखने वाला ना हो, हमारी रियलिटी एक सुपरपोजिशन स्टेट में रहती है, यानी कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं सब एक साथ हो रही हैं। और जैसे ही कोई ऑब्जर्व करता है, रियलिटी इन सभी पॉसिबिलिटीज में से किसी एक पर आकर रुक जाती है और वही हमें दिखाई देती है। वापस एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। श्रोडिंगर ने कहा कि जब तक कोई उस बॉक्स को खोलकर ना देख ले, तब तक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके हुआ भी है और नहीं भी, बॉम्ब फटा भी है और नहीं भी, कैट जिंदा भी है और नहीं भी, ये दोनों पॉसिबिलिटीज एक साथ उस बॉक्स के अंदर मौजूद हैं। और जैसे ही कोई उसको खोलकर देखेगा, उनमें से एक हकीकत बन जाएगा, यानी कि हमारे उस बॉक्स को खोलने के बाद ही कैट की किस्मत का फैसला होगा। ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमन कॉन्शियसनेस के रियलिटी से कनेक्शन के बारे में बताता है। इस एक्सपेरिमेंट को श्रोडिंगर्स कैट के नाम से जाना जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर होकर किसी ने श्रोडिंगर स्माइली मीम बना दिया। उस कैट की तरह ये स्माइली भी एक साथ दोनों रियलिटीज में जी रहा है। ये स्माइली भी एक साथ हैप्पी है और सैड भी। इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी रियल है ये उसको ध्यान से देखने के बाद ही पता चल सकता है। श्रोडिंगर्स कैट के तरह श्रोडिंगर स्माइली का राज जानने के लिए भी जरूरत है बॉक्स को खोल के देखने की, क्योंकि हम सब भी एक साइकोलॉजिकल बॉक्स में बंद हैं, अपने अंदर ही खुशियों और दुखों से लड़ते हुए। और इस बॉक्स को हम खुद नहीं खोल सकते, इसको सिर्फ हमारे अपनों का लव ही खोल सकता है। हम तो सिर्फ वेट कर सकते हैं उस कैट की तरह।